अरे ये लाइट्स अचानक कैसे चली गई? गार्ड्स, अरे जनरेटर ऑन तो करो। पता नहीं सब कहां रह गए। गॉड, मामा के रूम में कैंडल लगा देती हूँ। लड़की दरवाजा खोल के क्यों सोती है? उठो, सोने दो मुझे। अरे उठो, मास्क निकल रहा है। सोने दो, दारू चढ़ गया मुझे। इसके इस शराब के चक्कर में तो पूरा खेल हाथ से निकल जाएगा। कहां फंस गई? हाँ दादा। अरे काजल, कैसी है तू? अच्छा सुन ना, मेरे को आई से बात करनी है। करना बात एक बार। अभी आई बोले तो बहुत नाराज है मुझसे।
बात करने को तैयार ही नहीं है। एक बार जरा देना फोन, बोल बोल उसके सत्या का फोन है। हाँ कराती हूँ। दादा वो आईना कुछ काम कर रही है, मैं थोड़ी देर में बात कराती हूँ। अच्छा नहीं ठीक है, मेरे को सुनाई दे गया वो पीछे का उसका खटपट सारा, नाराज है वो, बहुत नाराज है। ठीक है रे काजल, तू ध्यान रख अपना। मैं फोन करता है तेरे को, आई को प्यार देना मेरा, बाय। मैं जानती हूँ सत्या कि तुम कितने परेशान हो आई को लेकर, और मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती अपनी माँ को पाने के लिए कि तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर कर दूँ। आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी आई को वापस लेकर आऊंगी। अरे थाम थाम, मी घालते सडलेले घाले नाही तर टोमॅटो सगळे चांगले घाल। काय गंगूताई कसं काय? बरं आहे। सत्या कसं आहे? कितना टाइम से मिला नहीं, किधर है वो? आजकल के बच्चों का क्या भरोसा, खास करके लड़कों का। एक दिन किसी लड़की को लेके आएंगे घर और कहेंगे ये मेरी बीवी है, इसके लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, आई तुझे भी छोड़ सकता हूँ। खैर छोड़ो ना, जाने दो, ये दे दो, इसमें डाल दो, और ये आधा किलो कांदा भी डाल दो इसमें। अरे वो लड़की देखो, पता नहीं कौन है वो। अरे कोई उसको रोको, रोको रोको उसको। अरे अरे उसको रोको, कोई गिर जाएगी। अरे अरे जा थामा कोनी तेरी। अरे अरे रुक जा बेटी, रुक जा। माही जरूर सत्या ने इसे कोई नाटक करने के लिए भेजा होगा। अरे अरे देखो वो तो वही पायल सेन गुप्ता की बेटी है। आई बस्ती वालों, ये जो गंगूताई है ना, ये मेरी सासू माँ है। अरे सत्य ने उसे शादी भी कर ली, देखो तो माशाल्लाह उले। पर ये मुझे अपनी बहू स्वीकार करने से इनकार कर रही है। बस्ती वालों सब कान खोलकर सुन लो, अगर इन्होंने मुझे अपनी बहू स्वीकार नहीं किया तो मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूंगी। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ काजल, को समझा तो मैं कूद जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी काजल, मैं कह रही हूं मैं मर जाऊंगी। अरे माही भाभी अब माफ कर दो ना आई। आई मैं जानती हूं मैंने और सत्या ने आपको बताए बिना शादी कर ली, पर आई आप तो जानती है ना कि जवानी में खून कैसा खोलता है। हाय ये जालिम जमाना, पहले तो प्यार करने वालों को नहीं मिलने दिया और अब सास और बहू के बीच में दरार ला रहे। आई मुझे स्वीकार कर लो आई, मैं कूद जाऊंगी। क्यों स्वीकार करूं रे तुझे और तेरे वो निकम्मे पति को? हाँ झूठ बोलता है वो मुझसे, आज तक एक बार भी मुझे याद नहीं आया कि उसने मेरे साथ सच बात की है, समझी? तो आई उस निकम्मे के जाके कान कीजिए ना, मुझे क्यों सजा दे रही है आई। आई मैं कूद जाऊंगी काजल, आई को समझा दे मैं कूद जाऊंगी यहाँ से काजल। आई आई मान जाना आई, करूंगी माफ। अरे गंगूताई अरे गुस्सा थूक देना, मान जाना। अरे मान जाना, देख देख देखो गिर जाए। आई देखो मैं कूद जाऊंगी आई, आई मैं कूद जाऊंगी। माही पैर पीछे, जो भी बात करे नीचे आके करो, समझी? नहीं आई, मैं सिर्फ एक शर्त पर नीचे उतरूंगी, अगर आप खुद मुझे और सत्या को माफ कर देंगी और मुझे अपनी बहू स्वीकार कर लेंगी तभी मैं नीचे उतरूंगी आई, वरना मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। आई मैं सच कह रही हूँ मैं कूद जाऊंगी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ गांव वालों, मैं कूद जाऊंगी, नहीं जाने दूंगी। आई मैं तीन तक गिनती गिनूंगी, अगर आप नहीं मानी तो मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। एक, दो, डेढ़। नौटंकी कर रही है। ढाई। मान जाना, मान जाना। आई मैं सच
सच में आई? तू आ गई नीचे? पक्का माफ कर दिया ना? इतने कम समय में सत्या ने तुझे भी नौटंकी करना सिखा दिया क्या? आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए कुछ भी आई। इसका मतलब पक्का माफ कर दिया आपने। बस्ती वालों, मरना कैंसल, तमाशा खत्म। आई मान गई है, अब जाइए आप लोग। आई, अब जब आपने माफ कर दिया है तो आज दोपहर के खाने के लिए घर आइए ना। नहीं नहीं, दोपहर को मुझे कहीं और जाना। आई, आइए ना, आपके उस लुच्चे को भी सरप्राइज मिलेगा। उसका नाम मत ले मेरे सामने। आई, मेरी बात सुनिए आप। जब से आप उससे खफा हुई है ना, वो लुच्चा बहुत दुखी है। आप आएंगी तो उसे और मुझे दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। सच्ची? हाँ सच्ची। थैंक यू सो मच आई। अरे अरे ये इतना सजना सवरना किसके लिए? क्यों बताऊं? सरप्राइज है। सरप्राइज? अगर मेरे लिए हुआ तो सरप्राइज है, और अगर नहीं हुआ शॉक। इसे बाल बनाने के लिए थैंक यू। बार बार अपना रोमांटिक हस्बैंड का फोटो बनाने के लिए। तुम भी ना। जन्म 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 साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, है मेरे दोनों जहां। तू रहे
तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घूमना, यूं ही मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना। बदमाशी मत करो। बस क्या, अभी तुम्हारे साथ बदमाशी नहीं करेगा तो क्या बगल बोले कुशवाहा जी की बेटी के साथ करेगा? कुछ तो कल्चर रखो। महिला धोखेबाज बीवी, जब ये कुशवाहा जी की लड़की के पास चला जाएगा ना मैं, तो कंप्लेंट मत करना। जा भी नहीं पा रही, दारू की बूंद के लिए तरस गई हूं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वक्त जी, आप कह क्या रहे? सिंपल प्रॉपर्टी पेपर्स है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? पायल मैडम, आप तो जानती है ना मार्केट का क्या हाल है, पैसे है ही नहीं। अब मैं लाइन में तो लगा हूँ 3 घंटे से, पर स्टैंप पेपर के बगैर कोई पेपर्स बनाने के लिए तैयार नहीं। अगर कैश नहीं है तो चेक दे दीजिए ना। हाँ मैडम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर भी मैडम 2 से 3 दिन तो लग जाएंगे। 2-3 दिन? मैं आपसे कह रही हूँ कि जल्द से जल्द कीजिए, और 2-3 दिन इतना वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी कीजिए। जय हो मोदी जी की। गुरु आज तो आपने बचा लिया, और आगे का काम मेरे को ही करना पड़ेगा। वो क्या है कि काले धन वालों की तरह काले दिल वालों की भी वाट लगाना बहुत जरूरी है। ये कैसे हो सकता है?